This is for डॉक्टर तरुण कोठारी एंड ऑल दी अदर मेंबर्स. देखिए दोस्तों, ऐसा है, ये कुछ हैशटैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. मैं अनुपम त्रिपाठी हूँ और करीब 6 साल अब हो गए समाज सेवा में से जुड़ा हुआ हूँ. तो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम हमारे लिए उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया. जस्टिस फॉर तबरेज अंसारी, आई स्टैंड विद संजीव भट्ट और बी इंस्पायर्ड, ये हैशटैग्स, ये 5 हैशटैग्स जो हम यूज़ करते हैं, इसे अलग नहीं है. ये 5ों हैशटैग्स का काम एक ही है, टू फाइट फॉर द ट्रूथ, टू फाइट फॉर जस्टिस एंड टू सेव डेमोक्रेसी. तो इसको अलग ना लें. काफ़ी मैं कमेंट्स देखते रहता हूँ इस व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें लोग कहते हैं कि ईवीएम इशू से डाइग्रेस ना करिए. मैं कहीं डाइग्रेस नहीं करूँगा, लेकिन ये 5ों हैशटैग्स हमारे लिए एक ही हैं. देखिए, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, हमारा एक हैशटैग सीरीज चलता है सोशल मीडिया पे, जिसमें हम यही बात जाहिर करना चाहते हैं कि कैसे ये करंट सरकार जो है उल्लू बना रही है पिछले 5 साल से आप लोगों को. हमको इंडिया अगेंस्ट ईवीएम क्या है, वो भी तो यही है कि पिछले 5 साल से ये सरकार जो है ये डेमोक्रेसी की सरकार है कि ईवीएम की बनाई हुई सरकार है. जस्टिस फॉर तबरेज अंसारी जो है वो भी यही है कि पिछले 5 साल में इतना मॉब लिंचिंग जो बढ़ा है, कितने तबरेज मरे हैं और मरते रहेंगे. एंड आई स्टैंड विद संजीव भट्ट भी यही है कि एक ऑनेस्ट अफसर है जो हु फाइट्स फॉर द ट्रूथ, हु एक्सपोजेस द करंट पीएम एंड द सीएम इन दोज डेज, द करंट होम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन दोज डेज, एंड इज सिटिंग इन जेल नाउ पेइंग द प्राइस. एंड बी इंस्पायर्ड हमारी एक सीरीज है, जिसमें हम कुछ मर्द के बच्चे हैं हिंदुस्तान में, जस्टिस काटजू हो गए सिंस इज रिटायरमेंट, या राम जेठ मलानी हो गए, या मैं पर्सनली नानी पालकी वाले का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और भी इसमें बहुत लोग हैं, राजीव दीक्षित अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो हो गए, और भी बड़े बड़े जो जो मर्द के बच्चे हुए वॉक दिस अर्थ आइदर लिविंग और नो मोर, जिन्होंने देश को इंस्पायर किया है एंड हैव टेकन ऑन द स्टेट एंड हैव नॉट मिंस्ड देयर वर्ड्स एंड हैव इंस्पायर्ड वन एंड ऑल. तो ये सबको एक ही साथ देखा जाए. आप लोग इसमें ये नहीं सोचिएगा कि वन स्टैंड्स फॉर यू नो वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द इशू. और बाकी मैं अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहा हूँ इंडिया के ईवीएम को, और 4 तारीख को आप सभी भाइयों से मुलाकात होगी. डॉक्टर कोठारी, आपसे भी मुलाकात होगी. लेट अस मीट एंड माय फुल सपोर्ट टू यू. थैंक यू.